अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन सिस्टम। एक नया मसला क्रिएट हो रहा है जो कि आईडीज के हवाले से है। जिन लोगों की 5, 6, 7, 8 तारीख को आईडी वेरिफिकेशन हुई थी और पहले प्रोसीजर में पाँच तारीख को जब उन्होंने लगाई थी तो उनकी आईडी प्रोसीजर में चली गई थी, फिर केवाईसी पेंडिंग में रही, फिर अकाउंट पेंडिंग में रहा और फिर वो आखिर वेरीफाइड हुई तो उनको डेट मिल गई 5 या 6 या 7। उन लोगों की आईडियां आज की डेट में मुकम्मल अनवेरीफाइड और पेंडिंग में फिर चली गई हैं। ये एक नया सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है जो कि राजा साहब ने बताया था कि जिन लोगों की हुई है उनका प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है, तो इसके बारे में आवाम में बहुत कन्फ्यूजन पाई जा रही है, बहुत परेशान है लोग। और दोबारा आज 17-18 तारीख को कुछ लोगों की आईडियां मुकम्मल वेरीफाइड शो होना शुरू हो गई हैं, तो ख़दशा यही है कि उनके साथ भी यही किया जा रहा होगा। बहुत बड़ी तादाद सिक्योर रिनेक्स फैमिली की जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, और जिसमें मेरी अपनी टीम और कुछ लोगों के मुझे पर्सनल में मैसेज भी आए और उनकी आईडियो की पिक्चर भी आई जो वेरीफाइड शुदा थी, जिनको डेट किसी को 10 मिली थी, किसी को 11, किसी को 5, किसी को 6 कि उसका मुकम्मल अकाउंट वेरीफाइड है, लेकिन अभी वहां पे दोबारा उसका पेंडिंग में सिस्टम चला गया है। सिर्फ KYC अप्रूव हुई है और बकाया सिस्टम उसका उसी तरह है जैसे पहले दिन से था। तो ये प्रॉब्लम है, मैंने कहा आप सबको बता सकूं। एक नया कट्टा खुल गया है, इसका तदारक कब करती है कंपनी देखते हैं।